एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसके अंदर गुलामी के ऊपर था कि मनुष्य जो अपनी बुराइयों का गुलाम होता है तब जाके वो किसी और का गुलाम बनता है। अगर वो बुराइयों का गुलाम नहीं होगा तो दुनिया की कोई ताकत उसको अपना गुलाम नहीं बना सकती। उसी के कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया है और जो एक व्यूवर हैं उन्होंने ये पूछा है कि जो कमीने लोग होते हैं, जो पाप कर्म करते हैं, जो सबको परेशान करते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, क्या उनकी कोई फाइल जनरेट नहीं होती? क्या उनकी कोई फाइल ऐसी नहीं बनती? वो कैसे इसको पचा जाते हैं? कैसे वो आराम से रहते हैं और कैसे वो खूब फल फूलते और मोटे ताजी होते हैं? प्रश्न उनका बिल्कुल वाजिब है, मगर जो बुद्ध ने धम्म को जो खोजा है, धम्म अपने आप में 100% पूरी तरह से फुल प्रूफ और बिल्कुल ठीक है। उनकी भी फाइलें बनती हैं और बहुत तगड़ी फाइलें बनती हैं। वास्तव में उनके पास पहले से ही फाइलें बनी हुई होती हैं जो उनको परेशान करती हैं। पाप की फाइलें, करप्ट फाइलें, जो वायरस वाली फाइलें होती हैं वो। कोई आदमी अगर किसी को दुख पहुंचाता है या अगर किसी को गाली देता है या किसी को मारता है या किसी के मन की, वचन की या काय खानि करता है तो वो परेशान आदमी है। अगर परेशान आदमी नहीं होगा, दुखी आदमी नहीं होगा, तो वो किसी को कभी भी दुख नहीं देगा। ये दुख, ये परेशानी या तो उसे बर्थ में मिली है जब उसका सॉफ्टवेयर ट्रांसफर हुआ है, पहले से है, या उसके घर में उसे मिली है, या उसके समाज से मिली है, या उसके समाज में पहले से ये चली आ रही है। कोई आदमी जब किसी पे घात करता है या किसी पे हमला करता है या किसी को मारता है या किसी को धमकाता है या किसी को मानसिक परेशानी में डालता है या किसी को दबाता है, तो उसके मन में एक भय है जो बचपन से हो सकता है, पीढ़ियों से हो सकता है, सदियों से हो सकता है, उसकी पहले से चला आ रहा हुआ हो सकता है या नया हो। एक इनसिक्योरिटी होती है, एक अवसाद होता है, एक डिप्रेशन होता है। ये सारी चीजें मिलके उसको इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि तू करप्ट है और तेरा जो करप्शन है वो इतना ज्यादा है, तेरा जो पाप है वो इतना ज्यादा है कि वो दूर नहीं होने वाला है। वो अपने इस पाप की फाइलों के कारण और ज्यादा पाप करने के लिए अग्रसित होता है, आगे बढ़ता है। उसको उसकी पुरानी फाइलें, पाप करने की फाइलें उसको उकसाती हैं, ठीक ऐसे जैसे जिसने कभी जीवन में शराब नहीं पी है, अगर वो दो चार बार शराब पी लेता है तो उसके शराब का जो फाइल बन जाती है, संखारा बन जाता है, वो उसे बार बार उकसाता है। ठीक इस प्रकार से जितने भी लोग हैं जो पाप कर्म करते हैं या पहले से करते आ रहे हैं या उनके माता पिता ने या बुजुर्गों ने किए हैं या कोई ऐसी चीज जो लॉफुल नहीं है, जो कानूनी रूप से अवैध है, कानून के दायरे में नहीं आती, या मॉरलिटी के हिसाब से, मानवता के हिसाब से या ह्यूमनिटी के हिसाब से उन्होंने इसको खराब किया है, इनह्यूमिलिएट किया है किसी को, या वो किसी को करप्ट करते हैं या दबाते हैं, इसकी हर क्षण बिना रुके बिना समय गवाए, यानी अकालिक तुरंत ही इसकी फाइल बन जाती है, उसके इफेक्ट आते हैं। बुद्ध के धम्म की एक खास बात सुनिए और समझिए कि जिन्होंने भारत से धम्म को हटाया, धम्म को ख़त्म किया, धम्म के जो बिल्डिंगें थीं, जो धम्म के विहार थे, वो सारे या तो बदल दिए या उनके नाम बदल दिए या कब्जा कर लिया या तोड़ दिया, या वो लोग मारे जो धम्म को चलाते थे। भारत से धम्म को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कुछ लोगों ने की, अपने डर के कारण, अपने किसी भय के कारण, अपनी किसी मानसिकता के कारण। उनके नुकसान पीढ़ी दर पीढ़ी उनको रहेंगे, एक भय उनके दिमाग में हमेशा रहेगा, क्योंकि जिस भय के तहत में उन्होंने बुद्ध को ख़त्म किया है वो तो अभी गया नहीं। बुद्ध जैसे लोग अपनी फिलॉसफी के कारण अजर और अमर होते हैं। उसका कारण क्या है? जिन्होंने बुद्ध को समाप्त किया है, जिन्होंने बुद्ध को ख़त्म किया है, जिन्होंने बुद्ध की फिलॉसफी को तोड़ा मरोड़ा ख़त्म किया है, वो लोग भी शांति चाहते हैं। वो अपने भय को काबू करना चाहते हैं, अपनी इनसिक्योरिटी को काबू करना चाहते हैं, उन्हें बुद्ध से डर लगता है, भय लगता है, वो शांति चाहते हैं।
वो चाहते हैं कि उनका भय कैसे दूर हो जाए, मगर उन्होंने रास्ता गलत पकड़ा हुआ है। बुद्ध तो खुद ही भय दूर करने की सबसे बढ़िया औषधि, सबसे बढ़िया दवाई देते हैं। इनसे अच्छी दवाई डिप्रेशन दूर करने की, भय दूर करने की तो दुनिया में कहीं है नहीं। और आप अगर ये सोचते हैं कि दवाई लिए बिना और इसको ख़त्म करके आपको आराम मिल जाएगा, पॉसिबल नहीं है। जो बुद्ध ने रास्ता खोजा, रास्ता वही है जो प्राकृतिक है, चाहे बुद्ध के नाम से है या बुद्ध के नाम से नहीं है या किसी और के नाम से है। अनंत जो आदमी सबसे ज़्यादा हिंसा करता है या युद्ध करता है, जो जिसने बहुत सारे लोगों को मरवाया है या मारा है या मरवाएगा या मारेगा, वो चाहता क्या है? वो बेसिकली अपना समुदाय या अपने आप या कुछ, उसकी शांति चाहिए, उसको सुख चाहिए। उसको लगता है कि ये जो लोग हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, ये मेरे सुख को छीन लेंगे, ये मेरे सुख को ख़त्म कर देंगे। बुद्ध भी सुख देते हैं और वो भी सुख चाहता है, क्योंकि बुद्ध जो है वो अनंत सुख देने वाले हैं। इसलिए बुद्ध का जो संदेश है वो अजर अमर है। यानी कि बहुत बड़ा कोई अगर मारने वाला है, वो भी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मारता है। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति है जो सारी दुनिया में पाप फैलाता है, अनंत वो अपने परिवार में जाके पाप नहीं करता, वहाँ उसको सुख शांति चाहिए। यानी सुख और शांति सभी को चाहिए, चाहे कोई क्रिमिनल है या नहीं है, कोई सज्जन व्यक्ति है या नहीं है। इसका मतलब बुद्ध की जो थ्योरी है, बुद्ध का जो सिद्धांत है, वो पूरी तरह से परफेक्ट है कि सभी को सुख चाहिए और सभी को शांति चाहिए। कितनी मजेदार सी बात है कि कितनी पिक्चरें आपने देखी हैं कि जिसमें एक डॉन होता है, एक बॉस होता है, और वो अपनी सिस्टर के लिए, अपनी बहन के लिए एक सज्जन आदमी को ढूंढता है। मतलब उसको डॉन नहीं चाहिए, उसको बदमाश नहीं चाहिए। एक शराबी आदमी अपने परिवार का रिश्ता उससे जोड़ना चाहता है जो शराबी ना हो। कितने कमाल की बात है कि खुद पाप करता है मगर फिर भी उसे अच्छा ही चाहिए। एक जुआ खेलने वाला व्यक्ति चाहता है कि उसका जो दामाद है या उसका जो बेटा है वो कभी जुआ ना खेले। ये कितने कमाल की बात है। अगर जुआ अच्छी चीज़ होती तो बेटा भी खेलता, बेटी भी खेलता। एक चोरी करने वाला जो चोर है, वो चाहता है कि उसके परिवार को कभी ना पता चले कि वो चोरी करता है या उसने चोरी की है। एक व्यभिचार करने वाला जो व्यक्ति है, वो छुप छुप के व्यभिचार करता है, वो कभी नहीं बताता किसी को कि उसने व्यभिचार किया है। कहीं पकड़ा भी जाए तो वो सीधा नाट जाता है। ये कितने कमाल की बात है कि सभी शुद्ध होना चाहते हैं, सभी प्योर होना चाहते हैं, सभी बुद्ध की जो फिलॉसफी है उस पर अमल करना चाहते हैं, उस जैसे बनना चाहते हैं। इसलिए बुद्ध की जितनी थ्योरी है, जितनी फिलॉसफी है, जितना सिद्धांत उन्होंने खोजा है, वो 100% जब तक मनुष्य रहेगा तब तक सही रहेगा। जो लोग पाप करते हैं उनकी फाइलें बनती हैं, उनकी सड़ के मृत्यु होती है। एक अच्छा व्यक्ति जिसने जीवन भर अच्छा काम किया, वो बहुत कम कष्ट के साथ मरता है, खुली आंखों के साथ मरता है, होशो हवास में मरता है। और जब उसके प्राण निकलते हैं तो उसको कष्ट नहीं होता, वो तड़पता नहीं है, फड़फड़ाता नहीं है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे जीवन भर अगर पाप किए हैं या दुष्कर्म किए हैं या सभी लोगों को परेशान किया है, उसकी डेथ बड़ी कष्टदायक होती है। कई साल तक तो वो सड़ता है, छोटी छोटी बीमारियाँ बड़ी बड़ी हो जाती हैं, मृत्यु उसे लेकर नहीं जाती और बीमारियाँ उसे छोड़ती नहीं, उसकी हालत बड़ी ख़राब हो जाती है, पागलों जैसा हो जाता है। फिर उसका किया हुआ पाप धीरे धीरे उसके सामने आता है। ना भी अगर उस समय आए तो भी जो उसकी ट्रांसफ़र होती है फाइल, यानी कि जो उसका संखारा ट्रांसफ़र होता है, जो वाईफाई के थ्रू जाता है और जहां वो अपना नेक्स्ट बर्थ लेगा किसी जीव के रूप में, किसी जानवर के रूप में, वहां वो साथ जाएगा और वो फाइलें वहां एक्टिव हो जाएंगी और शरीर ऐसा ही बनेगा। मनुष्य का शरीर मिले ना मिले, अगर मिलेगा तो उसी तरह से मिलेगा जहां से जीवन इसी तरह से रहेगा। इसलिए उनका सिद्धांत जो बुद्ध ने दिया है, वो विपश्यना के थ्रू प्रैक्टिकल करके देख के दिया है। वो ऐसा नहीं है कि सिद्धांत उन्होंने कहीं पढ़ा है या कहीं किसी से सुना है, उन्होंने खुद देखा, खुद विपश्यना की। और वो 24 घंटे लगातार विपश्यना में रहते थे। 35 साल के बाद जब उन्होंने ये पाया तो 45 साल की एज तक लगातार 24 घंटे विपश्यना में रहते थे। एक एक चीज़ को अंदर बाहर से, लोक से और लोकोत्तर से, यानी कि शरीर के अंदर और शरीर के बाहर, और दूसरे के शरीर के पार या शरीर के अंदर भी वो देख लेते थे। सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक थे। इसलिए कोई अगर मनुष्य ये सोचता है कि वो बॉर्डर पर जाके आज उसने अपने 4 दुश्मन की हत्या की है, तो हत्या होती है। मनुष्य ने दुश्मन खुद बनाए हैं, प्रकृति ने दुश्मन मनुष्य को नहीं बनाया। प्रकृति ने कोई बाउंड्री नहीं बनाई है। अगर मनुष्य वहाँ हत्या करेगा तो हत्या करवाने वाले की फाइल पे काम आएगा और करने वाले की दोनों। करवाने वाले का ज़्यादा आएगा और करने वाले की कम आएगा, क्योंकि करने वाले की मजबूरी है, उसे तनख्वाह चाहिए, उसे रोजी रोटी चाहिए और उसे रोजी रोटी वही देते हैं। और जो करवा रहे हैं उनकी फाइल ज़्यादा होगी, उनको ज़्यादा कष्ट होगा, उनको ज़्यादा परेशानी होगी।
ये बिल्कुल अजमाई हुई बात है अगर विपसना के थ्रू देखेंगे। विपसना में जब आप जाते हैं और मन में जैसे ही किसी के प्रति विचार अगर आपके खराब आता है तो आपके शरीर पे पता चलता है कि उसका बैड इफेक्ट आना शुरू हो गया, और जैसे ही आप एक अच्छा सोचते हैं तो वैसे ही शरीर पे अच्छा इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। विपसना में अच्छे अच्छे शरीर खराब जितने भी होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। ये विपसना की खास तौर से टेक्निक का फायदा है। अगर आप अच्छी तरह से विपसना करेंगे तो मन भी खुश हो जाता है और तन भी ठीक हो जाता है। धन्यवाद।